ठीक है, इलेवेंथ स्टेट बैच। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है ये हमें समझ में आ गया। जैसे हमें स्ट्रक्चर बनाना है, लुइस डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कोवेलेंट कंपाउंड्स, अलग अलग कंपाउंड्स के बनाने हैं। H2O का बना दो, CCl4 का बना दो, ठीक है, CO2 का बना दो, उसके बाद C2H4 का बनाओ, 1 2 3 4 कर देते हैं इसको, उसके बाद पांचवा कर देते हैं C2H2 का, छठा कर देते हैं N2 का। तो ये लुइस डॉट स्ट्रक्चर्स हैं, इनको लुइस रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ये बॉन्डिंग बताता है कैसे हुई है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, उसके ऊपर ये बात करता है। सर वो क्या है, CCl4 है? हाँ CCl4, NF3 का बना लो, प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं, काफी ज्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। HNO3 बनाओ, तो हमें लुइस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है सेंट्रल एटम चुनना पड़ता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर ड्रॉइंग लुइस डॉट स्ट्रक्चर, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे द ऑक्टेट ऑफ द एलिमेंट्स या एटम्स शुड बी कंप्लीटेड। जरूरी भी नहीं है कि कंप्लीट हो ही जाए, बट ट्राई करते हैं, है ना, कंप्लीटेड है ना इन बॉन्डिंग। ऐसे एक पॉइंट लिख सकते हैं, हर बार ऐसा नहीं होता। दूसरा क्या है, चूजिंग द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम किसको बनाते हैं, एटम विच इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड विच हैज मोर वैलेंसी, विच हैज मोर वैलेंसी इज चूजन एज, कैसे चूज किया जाता है उसको, बोले सेंट्रल एटम। वैलेंसी का मतलब क्या है, देखो वैलेंसी क्या है, वैलेंसी कितने बॉन्ड बनाना चाहता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करना चाहता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करने जाता है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन है ना, तो इसकी वैलेंसी कितनी है बताओ, 1। क्यों, क्योंकि इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेकर, ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, हीलियम जैसा डुप्लेट बना लेगा। इस तरीके से सोडियम जो है 2.8.1, ये इनर्ट गैस बनने के लिए क्या करेगा, 2.8 बनाएगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी,
वन हो जाएगी। कितने इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर रहा है, जैसे कार्बन है 2.4, कितने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए, 4। अगर ये किसी के साथ 4 बॉन्ड बना लेता है, मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर पा रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 4 नए इलेक्ट्रॉन मिले, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 वैलेंसी है कार्बन की। तो वैलेंसी तो तुम यहीं से देख के बता सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको देखा और वैलेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई। तो ये नोट करें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को कैसे चूज करना है। सर, आप वैलेंसी हम ये देखेंगे कि कितने डोनेट कर सकता है कि कितना ले सकता है, क्या देखेंगे? डिपेंड करता है, जो मेटल्स होते हैं वो डोनेट करते हैं ना, मेटल्स क्या करते हैं, वो डोनेट। अगर मेटल नॉन मेटल है तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड के लिए अलग देखेंगे। आयनिक बॉन्ड में क्या देखोगे बताओ बच्चों, क्या देखोगे, डोनेट और एक्सेप्ट देखोगे, और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या देखोगे, शेयरिंग। हाँ, कितने शेयर कर सकता है ना, ठीक है, ये देखने, इसको बोलते नॉर्मल, ये होगी आयनिक वैलेंसी या वैलेंसी, और कोवेलेंट बॉन्ड में बोलते कोवेलेंसी। जैसे मैंने तुमको बोला HCl, तो इसको भी कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन, बोलो, एक, एक दो हो जाए, इसको भी कितना चाहिए, एक एक्स्ट्रा, ताकि ये भी 2.8 हो जाए। तो ये एक एक की क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं ना। तो वैलेंसी कितनी है, इसकी भी वैलेंसी वन है, इसकी भी वैलेंसी वन है, समझ रहे हो कि नहीं। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है हाइड्रोजन, एक की ना। क्लोरीन कितने की शेयरिंग कर रहा है, एक की, तो इसका भी जो है शेयरिंग में बनाएगा। तो अब तुमको इसके स्ट्रक्चर जो है बनाने हैं। पहला मैं लेता हूँ H2O, पहला लेता हूँ H2O, बताओ कौन सा ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है इसको, और एक हाइड्रोजन तो एक ही एक शेयर करेगा, तो ऑक्सीजन को बीच में रखो, इसके इलेक्ट्रॉन दिखाओ कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 6। लेकिन क्योंकि ये एक ही एक शेयर कर पाएगा हाइड्रोजन के साथ, तो दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन लिख लो और एक एक इलेक्ट्रॉन लगाओ। हाइड्रोजन का डॉट से दिखा दिया, अब ये शेयरिंग करवा रहे हैं ध्यान से, तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसको भी काउंट करना है एक्चुअली, इसको थोड़ा यहाँ बनाओ शेयरिंग। ये हाइड्रोजन जो है, ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ आएगा एच, उसके बाद आएगा ऑक्सीजन, उसके बाद आएगा हाइड्रोजन, तो ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर्स में बच गए। तो ये हमारा लुईस स्ट्रक्चर है, ऊपर वाला लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और ये उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर है नीचे वाला। ऊपर वाला हमको अभी ज्यादा कंसंट्रेट करना है, हमें क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करने का सोचना है, और उसको हमें सेंट्रल एटम बनाना है जिसकी वैलेंसी ज्यादा हो, जो ज्यादा बॉन्ड्स बना सके। अगर वो बॉन्ड सेम बना पा रहा है तो हम देखेंगे कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, उसको बनाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जब प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा सेंट्रल एटम कौन होता है। जैसे H2O है, CO2 है, इन सब में हमें देखना पड़ता है कौन से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। जैसे H2O में कौन ज्यादा बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन तो एक ही एक बॉन्ड बनाएगा ना, तो अगर हाइड्रोजन को बीच में रख लोगे तो फिर तो वो एक ही बॉन्ड बना पाएगा ऑक्सीजन से, इसकी वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई, अब तो ये बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा आगे, इसका तो दोनों इलेक्ट्रॉन आ गया ना, एक पहले से था एक और आ गया, अब दूसरा हाइड्रोजन कहाँ लगाएंगे, तो यहीं पे लगाएंगे ना, तो सेंट्रल एटम तो ये हो गया। इस तरीके से हमको सर, मतलब हमेशा जो दो होते हैं वही, तो मतलब जो सिंगल होता है उसको ही तो सेंट्रल एटम लेते हैं ना मोस्टली। हाँ, मोस्टली ऐसे ही होगा, क्योंकि जो सिंगल होगा ना वो दोनों से बॉन्ड बना रहा होगा, तो ज्यादातर उसको लेंगे हम, सही बात है। लेकिन रूल क्या है, पहले क्या देखना है, जिसकी मोर वैलेंसी होगी उसको ले लेंगे, है ना। दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे, अगर वैलेंसी सेम है तो क्या देखेंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये दो पॉइंट याद रखो, बस इतने पॉइंट याद रखो, ज्यादा वैलेंसी वाले को लेना है, अगर वो भी सेम है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को लेना है। इतना करोगे तो मेरे हिसाब से तुम्हारा कोई भी स्ट्रक्चर छूटेगा नहीं। आप भी बनाने ना सब, हाँ ट्राई करो। क्या आर्यन कौन सा वाला पूछ रहे हो, आर्यन सेकंड ये वाला चूजिंग द सेंट्रल एटम,
सर C2H4 में डबल बॉन्ड बनाएगा ना, हाँ कार्बन कार्बन सर, हम तभी सिंगल क्यों नहीं लेते मतलब ऊपर मतलब एक लोन कर बचा के, पर उसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होगा ना फिर, अगर तुमको ऑक्टेट कंप्लीट करना है कुल मिला के। सर तो लोन पर हम कब छोड़ते हैं, जब पॉसिबल ही नहीं है। जब ऑक्टेट कंप्लीट हो ही गया, जैसे यहाँ देखो कितने पहले से ऑक्सीजन के पास थे, छह। ओके समझा सर। थे सिक्स, कितने चाहिए इसको, सिर्फ दो चाहिए ना, तो दोनों हाइड्रोजन से एक एक मिल गया, तो अब जो बचा है इलेक्ट्रॉन उसको तो वैसे ही लिखना पड़ेगा। ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, कैसे इलेक्ट्रॉन है ये, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इनको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर्स। सर बोलो, ये वैलेंसी सेकंड वाले में तो सीएल का ज्यादा होगा ना वैलेंसी, सीएल की वैलेंसी तो एक ही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन का कम है सर, कार्बन को बीच में रखेंगे ना, कार्बन को बीच। देखो यहाँ सिंपल इसलिए है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, चार क्लोरीन है, चार क्यों लिए होंगे, क्योंकि कार्बन के पास है चार इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के पास कितने, सात, मतलब एक एक का शेयर करेंगे अगर ये, तो हर एक कार्बन का हर एक क्लोरीन के साथ एक एक बॉन्ड की शेयरिंग होगी, है ना, और चार क्लोरीन से कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उसको, चार और मिल जाएंगे, आठ हो जाएंगे। तो कार्बन को बीच में रखो, सीएल को चारों तरफ लगाओ, समझ रहे हो ना, कंप्लीट करना है ना शेयरिंग से। दूसरा वाला कैसे करेंगे, देखो CCl4 कार्बन बीच में रखा, क्लोरीन 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 क्लोरीन, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने हैं बताओ, चार है ना, फोर, चार, इसको चार और चाहिए, तो चार चारों क्लोरीन को एक एक चाहिए, तो ऐसे लगाओ। अब क्लोरीन के पास कितने होते हैं, आखिरी सात होते हैं, तो सात है, तो सात तो दिखाने पड़ेंगे, लेकिन वो कितने एक एक का शेयर करेगा, तो बाकी इधर रखो, एक ही यहाँ पे दिखाओ क्योंकि वही शेयर होगा, इस तरीके से। ठीक है, अब बताओ ये है स्ट्रक्चर कि नहीं, इसको क्या बोलेंगे, लुविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CCl4। ध्यान से देखना, अगर मैं दूसरा पेन एक यूज करूं समझाने के लिए, देखना ये क्लोरीन के आठ इलेक्ट्रॉन सबको दिख गए, यस सर, इस क्लोरीन के आठ इलेक्ट्रॉन दिख गए, यस सर, क्लोरीन के आठ इलेक्ट्रॉन दिख गए, इस क्लोरीन के आठ इलेक्ट्रॉन दिख गए। अच्छा, कार्बन जो है वो अपने तो डॉट वाले चारों ले रहा है, लेकिन क्रॉस भी तो ले रहा है कि क्लोरीन का, ये वाला, ये भी तो शेयरिंग में है, तो कार्बन के भी कितने हो गए, आठ, देखो सबको दिख रहे हैं। अच्छा, एक एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, दो है ना, कोई एक कोवेलेंट बॉन्ड हो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इस एटम का, दो दूसरे वाले का है, दो होंगे। तो यहाँ पे ये जो है जिसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये एक बॉन्ड बनेगा पूरा कि नहीं सर, जो क्रॉस लेना है वो हम बीच वाले को भी ले सकते हैं। हाँ, बदल, वो तो केवल डिफरेंशिएट करने के लिए है, क्रॉस डॉट यूज्ड फॉर डिफरेंशिएशन फॉर क्लैरिटी, है ना, समझ रहे हो कि नहीं, क्लैरिटी के लिए यूज करते हैं। देखो सी सी एल सी एल सी एल, ठीक है, तो कितने बॉन्ड बने, कितने कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने कंपाउंड में, फोर, फोर बॉन्ड्स है, और चारों बॉन्ड्स कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है ना, फोर सिंगल बॉन्ड्स। सर हाँ सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट को क्या कहते हैं, वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आउटर मोस्ट, हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। ये ज्यादातर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए वैलिड है, डी ब्लॉक वाले में इनर शेल जो होती है पेनल्टीमेट उसके भी काउंट करते हैं, तो वो आगे आएगा, अभी उसकी जरूरत नहीं है। अभी के लिए याद रखो कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबने बना लिया इसको,
और सर वैलेंसी मतलब कितने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने को? बिल्कुल, चाहे देने पड़े चाहे लेने पड़े, कितने का शेयरिंग या क्या कहते हैं डोनेशन या ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है? वैलेंसी यही होती है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड और शेयर्ड बाय एन एटम इन ए कंपाउंड, उसकी वैलेंसी होती है। याद रखोगे? और CO3 2- कैसे बनाएंगे? तो वैलेंसी लिख देता हूँ। हाँ बनाएगा, बनाता है वो, लिख लेंगे। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, क्या होती है ये कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितना इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन कर रहा है ऑफ द एटम्स, और एटम्स ही लिख लो, वही मेन है हमारे लिए। मीन्स means it is the number of electrons shared or transferred by any atom in a molecule or any compound, ये valency है। तो लिखने के लिए तो लिख सकते हो, बट जो समझाया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमको जो दिखाया है मैंने, है ना, कंपाउंड के अंदर। जैसे NaCl में बताओ सोडियम की वैलेंसी कितनी है, एक है, क्यों? एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। CaCl2 बताओ कितनी वैलेंसी है, बताओ वैलेंसी ऑफ Ca कितनी है, और Cl की कितनी है, जीरो। Cl की वन है ना, क्योंकि Cl एक ही, एक ऐसे है, देखो Cl एक ले रहा है ना, एक Cl कितना ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे होंगे ना इसने ऐसे। हाँ, Cl का एक होगा। हाँ ऐसा होगा ना, तो फिर सर Cl का 2.8 होता है, 2.8। जब इसको देगा तो कितना हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट, और इसका क्या होता है 2.8.2, इसका क्या बचेगा 2.8.8, और इसका क्या होता है Cl का, इस तरीके से। तो एक ये ट्रांसफर कर रहा है क्लोरीन को, तो क्लोरीन तो एक ही ले रहा है ना, इसने तो एक ट्रांसफर किया, इसकी वैलेंसी कितनी है, वन, और इसने कितने ट्रांसफर किए Ca ने, दो। बोलो दिख रहे हैं कि नहीं, यहाँ दो गायब हो गए कि नहीं, नीचे देखो। यस सर। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, दो। कंबाइनिंग कैपेसिटी सर, आपके आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ, दो Cl से कंबाइन कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। तो इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। सर ऊपर कीजिए ना। सर जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, या उनको लोन पेयर, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते ना, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? मतलब वो उसके खुद के हैं, नॉन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करने वाले नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, या लोन पेयर्स। लोन मतलब जो जिनको छोड़ दिया गया है, जो पड़े हुए हैं। पेयर्स का मतलब ज्यादातर पेयर के फॉर्म में होते हैं, है ना, 2, 4, 6, 8 ऐसे होते हैं, ठीक है? गॉट इट? सर थोड़ा नीचे की। सर थोड़ा ऊपर वो लिखना है। लिखो लिखो।
आगे बढ़े। यस सर। सर हाँ सर, C2H2 में CC के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा ना? हाँ, C2H2 में ट्रिपल बॉन्ड आता है। सर थोड़ा नीचे। तो ऊपर वाले ट्राई करोगे सब लोग जल्दी जल्दी, फिर इसको डिस्कस करें। सर CO3 2- का आइडिया दो ना कैसे बनेगा। हाँ दे रहा हूँ, ये है देखो। तो बाकी लोग लिस्ट शो कर रहा हूँ, ये है लिस्ट CO3-2। तो कार्बन जो है उसकी वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन की कितनी होती है वैलेंसी? हमारे पास दो होती, दो। हाँ लेकिन देखो, अच्छा बताओ इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है ऑक्सीजन? बोलो। तो ऑक्सीजन को हमने नेगेटिव चार्ज देना है, एक एक ऑक्सीजन को एक एक देना है। दोनों चार्ज खत्म हो गए बताओ? हाँ सर खत्म। अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है जिनके पास माइनस चार्ज है? 5 7 सॉरी ना। और बाकी के पास कितने हैं? 6 हैं। तो ये वाले ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहेगा? 2 सर। 3 ऑक्सीजन है ना, हमने चार ले लिए तो एक कम कर देता हूँ, है ना? 3 ही है ना। ओके तो उसके साथ डबल बॉन्ड बनेगा और इन दोनों के साथ सिंगल बॉन्ड बनेगा। समझ गए ना ऐसे? हाँ सर समझा। इसका जो है क्रॉस जो है वो यहाँ 2 दिखा दो, यहाँ 1 क्रॉस, यहाँ 1 क्रॉस। अब ये के 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये इसके 6 दिखाओ, यहाँ पे माइनस चार्ज जो है हटा लो, कहीं बाहर दिखा दो, एक एक्स्ट्रा आया है ना ऐसे। ये थोड़ा सा पास पास बनाओगे, नीचे में बनाऊंगा या जगह कम है सर? NF3 का कैसे आएगा? इस तरीके से आएगा स्ट्रक्चर, इसमें सबके ऑक्टेट कंप्लीट है। NF3 का। अच्छा नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी बताओ? 5 है तो एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ शेयर करेगा। हाँ 3 चाहिए ना उसको, तो उसकी वैलेंसी 3 है, बीच में रख लो उसको और फ्लोरीन लगाओ साइड में। फ्लोरीन को तो एक ही एक चाहिए ना, फ्लोरीन के पास कितने होते हैं? 7, एक यहाँ दिखा दो। 9 मतलब 2.7। हाँ तो मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वही तो दिखाने हैं, तो वैलेंस वाले 7 होते हैं। और नाइट्रोजन जो है, अरे हाँ सर मतलब सर सर हाँ बोलो, समझ में आ रहा है ये? हाँ देखना 2। हाँ सर समझा, मैंने उल्टा लिया था। और यहाँ यहाँ ले लिया नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन को कितने चाहिए? 3 ही चाहिए ना, तो तीनों के साथ एक एक शेयर करेगा, एक लोन पेयर बचेगा। तो यही इसका स्ट्रक्चर हो गया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर NF3 का। इसमें अगर तुम्हें जुड़ना है कैसे है तो देखो, इसके 8 है 8, इसके भी 8 है। हाँ इसके भी 8 है, और इसके जोड़ोगे तो उसके भी 8 आएंगे। देखो 2 2 4 2 6 2 8, ये लोन पेयर है नाइट्रोजन का, है ना ये वाला। और इसके तो लोन पेयर बहुत सारे, 1 2 3 है ना। सबको लिखना है, गोला नहीं करना है उस पर। लोन पेयर की बात कर रहा हूँ। हाँ लोन पेयर दिखाने हैं बट सर्किल नहीं करना है, सर्किल सिर्फ उसमें कर सकते हो। जब हम लिखते हैं ना मतलब F-N- वैसा, तभी नहीं उसमें नहीं लिखना, उसमें नहीं, डैश डैश स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड स्ट्रक्चर है उसमें नहीं, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है इसमें दिखाना है। लुईस डॉट का मतलब सारे मैं उसका पूछ। हाँ उसमें उसमें बिल्कुल नहीं दिखाओगे, चलेगा ऐसे दिखा सकते हो। बट अगर कोई पूछता है कि कितने लोन पेयर है तो कितने बताओगे?
एक है ना, तो वो दिखाते हैं वहां पे। नहीं दिखाओगे तो दोनों तरीके हैं, नहीं दिखाने वाला भी तरीका सही है, दिखाने वाला जहां पे जैसी जरूरत होती वैसे यूज करते हैं। सर तो फ्लोरीन के भी है ना लोन पेपर? हाँ, लेकिन सेंट्रल एटम का जो है ना वही जो है ज्यादातर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है सेंट्रल एटम का। ओके सर, तो वो तुम आगे पढ़ोगे धीरे धीरे कैसे कैसे यूज करते हैं उस चीज को। सर ये जो आपने अभी बनाया वैसा जरूरत नहीं है ना क्रॉस बनाने का साइड में? नहीं नहीं, सबका हो गया। आगे बढ़ाएं। Yes, sir. नहीं, इसके स्ट्रक्चर जो है मुझे बना के दिखाने हैं ना सारे, तो हो गए मेरे। तीसरा देखो, अच्छा तुम्हारे हो गए CO2, कार्बन बीच में रखो, कार्बन ऑक्सीजन साइड में रखो। अब कार्बन को कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन? 4 चाहिए। बोलो, 4 चाहिए ना, 4। ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो इसके हम डॉट से दिखा रहे हैं। ऑक्सीजन के यहाँ 2 दिखा दो, यहाँ पे 2 दिखा दो, कितने बचे ऑक्सीजन के? 6 होते हैं ना टोटल, तो 6 है। अब ये यही जो है स्ट्रक्चर में देखोगे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसने 4 थे और शेयरिंग 2-2 भी करी है, तो इसको एक्स्ट्रा 4 मिलेंगे। जितने की शेयरिंग करेगा उतने एक्स्ट्रा मिलेंगे, 4 की शेयरिंग करी है तो 4 नए मिले। इसी ऑक्सीजन को ऐसे इसको भी मिल गए। और सर, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन किसमें? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन बहुत कम है, नाइट्रोजन 3 है। सर जो HNO3 में कैसे बनाएंगे आप? नाइट्रोजन को रखेंगे ना सेंटर? हाँ, उसकी वैलेंसी ज्यादा है, उसको रखना पड़ेगा। कार्बन देखो यहाँ है, डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, ठीक है। ये CO2 का स्ट्रक्चर है, ये लुईस डॉट है, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है। अब सबको समझ में आया ये थर्ड वाला? यस सर। फोर्थ देखो, फोर्थ कौन सा है, क्या नाम है उसका? C2H4, फिर C2H2, ठीक है, दो ले लेते हैं अभी। सर्किल ड्रा नहीं करोगे चलेगा, सर्किल इसलिए ड्रा करते गिनने के लिए। ये जो सर्किल है ये वाला, ये लेफ्ट ऑक्सीजन का है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, सारे गिनोगे तो 8 मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए इसको जो है नहीं भी ड्रा करोगे तो कोई बात नहीं है। सर हाँ बोलो। सर HNO3 में एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा क्या? हाँ, HNO3 में डबल बॉन्ड बनाएगा बिल्कुल। C2H4 सर सिर्फ एक ही से बना पाएगा ना डबल बॉन्ड? हाँ देखो, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ऐसे लगाने हैं। कार्बन को कितने चाहिए बोलो? 4 चाहिए ना, और हाइड्रोजन को ये हाइड्रोजन ने इसको दे भी दिया तो हाइड्रोजन के साथ ये कितना शेयर कर पाएगा? एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाएगा ना, है ना? यस सर, तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा। हाँ, तो पहले हम लोग इसका एक दिखा देते हैं, इसके साथ एक, इसका एक, इसके साथ एक। अब कार्बन के कितने बचे? 2, यहाँ दिखा दो उनको। सिमिलरली इस कार्बन के 2 यहाँ दिखा दो, इसका एक यहाँ, इसका एक यहाँ, इसका एक यहाँ, इसका एक यहाँ। सबके इलेक्ट्रॉन देखो सारे दिखा दिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे लिखे हुए कि नहीं हमने? इस कार्बन के भी 4, उस कार्बन के भी 4, सबको दिख रहे हैं 4-4। यस सर। और अब जब ये शेयरिंग हो रही है तो देखो, हर कार्बन के पास शेयरिंग करने के बाद में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। देखो जैसे इसका दिखाऊंगा, एक का दिखा रहा हूँ, बाकी का समझना, 8 है कि नहीं? देखो इसके 2 हाइड्रोजन शेयरिंग किया और 2 कार्बन से,
आठ हुए गिनो, दो दो चार दो छह, इस तरीके से इस वाले कार्बन के भी होंगे। किसी एक हाइड्रोजन का भी देखो, किसी का भी देख लो, इसके भी दो है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, डुप्लेट और ऑक्टेट। कैसे आएगा, सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच। इसका डिजाइन तुम दूसरा भी बना सकते हो, थोड़ा सा टिल्टेड एंगल पे लगा सकते हो इनको, है ना, ऐसे लगा सकते हो कि तुमने यहाँ पे लिया होता इस तरीके से, तो वो भी चलेगा। फिफ्थ देखो C2H2, तो कार्बन कार्बन। अब हाइड्रोजन एक ही एक है ना, साइड में लगा लिया, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे कार्बन, तो तीन बचे, तीनों शेयर करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर चार में से एक एक्स्ट्रा बढ़ा है हाइड्रोजन का, तो पांच ही हुए ना, तीन और चाहिए, तो तीनों की शेयरिंग करनी होगी ना। अब देखो किसी भी कार्बन के गिनो तो आठ होंगे कि नहीं, देखो इस वाले कार्बन के अगर जुड़ो, सर यस सर, इधर सॉरी, आप बोलो क्या बोल रहे हो सर? सर जो आपने वो नीचे हाइड्रोजन लगाया, उसको हम लोग लेफ्ट और राइट साइड में भी लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं, स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ओरिजिनल शेप और वगैरह आगे पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं इसके इलेक्ट्रॉन को दिखाने की, शो होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, है ना। तो कार्बन के हाइड्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल। कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल। ये क्या आ गया, क्या आ गया बोलो, ये एसिटिलीन। क्या नाम होता है C2H2 का, एसिटाइलीन, या इसको इथाइन भी बोलते हैं IUPAC ने। ऐसे C2H4 का नाम क्या था बोलो, इथाइलीन, या इसको और भी क्या बोलते हैं, इथीन। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। हाँ इथीन बोलते हैं या इथाइलीन बोलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट केमिकल होता है ये केमिस्ट्री का, एथिलीन एथाइलीन दोनों की नाम। हाँ नाइन्थ वाला बताओ ना, पांच हो गए, अब धीरे धीरे आ रहे हैं उस पे। सर HNO3 की कोई वैलेंसी थी क्या? नहीं नाइट्रोजन से मतलब है ना, पूरी की तो नहीं होती है, नाइट्रोजन की होगी। फिर छठा N2 है, NF3CO3-, ये सब है। चलो N2 पे आ जाते हैं, कितने नंबर पे, छह नंबर पे N2। N2 क्या होगा बताओ, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पांच। तो दोनों नाइट्रोजन है, दोनों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, पांच पांच। कितने कितने चाहिए दोनों को, कितने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए जल्दी बताओ, तीन तीन चाहिए। तो नाइट्रोजन दिखाओ, नाइट्रोजन दिखाओ, तीन तीन की शेयरिंग करा दो, कितने कितने बचे दोनों के पास, दो दो। लोन पेयर है ना, ये नॉन बॉन्डिंग है, कैसे है ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इनको क्या बोलते हैं, एक पेयर पूरे को क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, समझ में आया, वैलेंसी कंप्लीट हो गई कि नहीं। अब कितने हो गए इसके, इसके भी कितने हो गए, 2.8 2.8। सेवंथ देखो NF3 नाइट्रोजन 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 के पास कितने होते बोलो, पांच। तो उसको कितने चाहिए, सिर्फ कितने चाहिए, तीन ही चाहिए ना, तीन की शेयरिंग कर लेगा। तो थोड़ा पास पास बना लो, जितना पास बनाओगे उतना समझ में ज्यादा आएगा भाई। फ्लोरीन को तो एक ही चाहिए, इस तरीके से। तो ये देखो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन। अगर तुमको लोन पेयर दिखाने हैं तो दिखाओ, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, हाँ है, ऐसे दिखाओ। फ्लोरीन के पास, इस वाले फ्लोरीन के पास, इस वाले फ्लोरीन के पास, ऐसे भी दिखा सकते हो। टोटल लोन पेयर्स कितने हैं बताओ NF3 में, फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ऑन सेंट्रल एटम, ऐसे सवाल छोटे छोटे पूछते हैं, सेंट्रल एटम इन NF3, दोनों आंसर बताओ क्या आएंगे। तो इसके तो गिन लोगे 1 2 3, तो एक फ्लोरीन का तीन है, तीन तीन नौ और एक दस, तो कितने आएंगे, 10।
यहाँ पे कितना आएगा सेंट्रल एटम पे? सेकंड का टू होगा है? मतलब वन होगा, वन होगा। हाँ ये मतलब पेयर है ना, वो इलेक्ट्रॉन बोलेगा तो कितने होंगे 20 और यहाँ टू, बस समझ गए। यस सर। आठ देखो CO3 टू माइनस यही था ना, तो देखो कार्बन अभी आ चुका हूँ, बनाना आना चाहिए सबको। सर सर आपने जैसे बोला ना कि मतलब सेंट्रल लेटर ढूंढना पड़ता है, सर वैसे भी तो वही आएगा ना, क्योंकि अगर दूसरे को बीच में लेंगे तो अलग ही हो जाएगा। तो वही तो है कॉमन सेंस, अगर तुम बोल रहे हो दूसरे को कहाँ हो पाएगा, फ्लोरीन बॉन्ड नहीं बना पाएगा ना ज्यादा। फ्लोरीन हाँ, कितने बॉन्ड बना सकता है बोलो, यही बोल रहे हो? एक ही बना सकता है सर। मतलब एक ही तो उसको बीच में नहीं लोगे फिर? तो उसको बीच में नहीं लोगे ना फिर तो तुम अपने दिमाग से? हाँ सर। बस हो गया, इतने तो सोचना है इसमें, जरूरी नहीं कि हर बार नियम लगाओ, कई बार रूल नहीं भी लगाओगे तो तब भी काम चल जाए। अब नेक्स्ट है HNO3, इसका दिखा देता हूँ। कार्बन, कार्बन कितना होता है, कितने बॉन्ड बनाएगा कार्बन? फोर बॉन्ड्स। और ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? O माइनस वाला वन बॉन्ड बनाएगा, एक बनाएगा एक। और O डबल बनाएगा, दो बनाएगा। लेकिन ये दो इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे? गिवन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, किसको देते हैं? इसको किसको देंगे बोले? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाँ तो यहां एक दे दिया, यहां दे दिया। कार्बन के पास कितने होते हैं? चार। एक इसके साथ शेयर करेगा क्योंकि ये बेचारा ऑक्सीजन एक ही शेयर कर सकता है, तो मजबूरी है कार्बन की कि वो उसके साथ एक ही शेयर करे। और एक ऑक्सीजन जो है वो दो शेयर कर सकता है क्योंकि उसको दो बॉन्ड बनाने हैं। ये स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो गिन लो इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ये है, दो है, तीन है, चार है, पांच, छह और सात और आठ। समझ में आया सबको? इस वाले ऑक्सीजन का कंप्लीट ऑक्टेट कौन सा है? इतना है जितना इसने इसके पास था, और जो इसने शेयर किया वो उतने लेना है। इसके पास पहले से कितने थे? ज्यादा ही बना दिए मैंने कुछ यहाँ पे, ये हटा देता हूँ, अब सही है ठीक है, छ और यहाँ पे दो, आठ। तो सबकी वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है। ये दो माइनस चार्ज में बाहर ले लिया हूं। हमें पता है ये किसको दिया है, मैंने किसको दिया है दो माइनस चार्ज बोलो? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को, ऑक्सीजन। हाँ तो उनमें अच्छे से बांट दिया है क्योंकि एक्चुअल में ये CO3 माइनस कहाँ से आया है, इसका नाम क्या है, क्या नाम है इसका? कार्बोनेट। तो ये H2CO3 से आता है। H2CO3 क्या है, क्या नाम है इसका बताओ? कार्बोनिक एसिड। कैसे स्ट्रक्चर बनाता है? C, याद रखना है जब भी एसिड हो तो उसमें कौन से वाले बॉन्ड होते हैं? OH बॉन्ड। कौन से बॉन्ड होते हैं? नॉन मेटल, नॉन मेटल और OH बॉन्ड। तो C के साथ एक OH होता है, एक दूसरा OH होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, ये होता है। तो यहां देखना ध्यान से, ओ एच डायरेक्ट अगर लिखें, क्या वैलेंसी कंप्लीट है बताओ? ऑक्सीजन की वैलेंसी दो कंप्लीट है, यहाँ पे भी कंप्लीट, कार्बन की चार, हाइड्रोजन की वन। अच्छा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है बोलो? ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होंगे कि नहीं? यस सर। बॉन्ड बनाएगा तो ये इसका इलेक्ट्रॉन भी ले लेगा तो इस पे H प्लस आ जाएगा और ऑक्सीजन पे क्या आएगा? माइनस। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? ये भाई उसने इलेक्ट्रॉन उसका खींच लिया अगर बॉन्ड तोड़ा तुमने, तो यही तो होता है CO3 टू माइनस। देखो
मतलब H2CO3 को अगर पानी में डालेंगे तो वो डिसोसिएट हो जाता है, क्या बनाता है, 2H++। अब आया समझ में? थोड़ा समझो, धीरे धीरे और समझ आएगा जब आगे पढ़ोगे। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोलो? एक होता है कि दो? दो। दोनों अगर ऑक्सीजन ले लिया तो हाइड्रोजन के पास कितना बचा? जीरो बचा ना भाई। ये जो बॉन्ड है इसमें एक इलेक्ट्रॉन किसका है? ऑक्सीजन का है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसका भी है, हाइड्रोजन का। अगर दोनों इसने ले लिए तो इसके पास तो जीरो इलेक्ट्रॉन बचा ना। इसको बोलते हैं H+। H+ में कितने इलेक्ट्रॉन है? जीरो इलेक्ट्रॉन। H+ जो है ये एसिड बनने का रीजन होता है। H+ बन रहा है इसका मतलब जो हमारा कंपाउंड है वो क्या है, एसिडिक नेचर दिखा रहा है। मतलब H2CO3 एक एसिड है, पानी में डालने पे H+ दे रहा है। इसको नोट करें जल्दी जल्दी। फिर HNO3 पे आते हैं। हो गया? बोलो, एनी डाउट्स इन दिस पर्टिकुलर थिंग? नो सर। नो सर। HNO3 नंबर 9, HNO3। अच्छा अब देखो, हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा? वन बॉन्ड। नाइट्रोजन कितना शेयर करेगा? तीन बॉन्ड, है ना। ऑक्सीजन कितना करेगा? दो बॉन्ड। दो बॉन्ड, तो ऑक्सीजन कितने? तीन है। तो पहली बात तो बीच में उसको रखेंगे जो ज्यादा बॉन्ड बना लेता है, तो N लिख लिया बीच में। अब ऑक्सीजन जो है वो हमें याद है, ये HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड। अगर नाइट्रिक एसिड है तो हमेशा एक OH बॉन्ड होगा, याद रखना है, लर्न करना है। क्या लर्न करना है? वन OH बॉन्ड इज ऑलवेज देयर इन एसिड। तो नाइट्रिक एसिड में हमेशा क्या होगा? वन OH बॉन्ड ऑलवेज, नाइट्रोजन का कोई भी एसिड हो। इतना याद रख पाओगे कि नहीं बताओ? तो हम हमें गारंटेड क्या करना पड़ेगा, एक इस तरीके का बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अब कितने ऑक्सीजन बचे हैं बताओ? दो। और नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं बताओ? एक तो शेयर कर दिया उसने, तो चार बचे ना भाई। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन किसका है? शेयरिंग में, ऐसे ही है ना। देखो फिर से दिखा रहा हूँ। तो ये तुमको दिख रहा है सबको भाई? इसकी यहाँ शेयरिंग हो रही, इसकी यहाँ शेयरिंग हो रही। नाइट्रोजन को अभी कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन और? चार चाहिए। नहीं देखो तो दो दो चार पांच छह हो गए इसके पास। पांच हाँ, थे, दो और चाहिए। दो चाहिए तो ऑक्सीजन एक जो है वो इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, हो गया। लेकिन एक ऑक्सीजन जो बचा है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? छह। आप बताओ क्या नाइट्रोजन और बॉन्ड बना सकता है? नहीं, क्योंकि उसके पास आठ इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं ऑलरेडी। तो वो क्या करेगा, इनका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, वन साइडेड शेयरिंग करेगा। क्या करेगा? वन साइडेड शेयरिंग। समझ में आया ये? यस सर। भाई नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो? पांच। ऑक्सीजन के साथ बनाया छह हुए, हाइड्रोजन के पास भी दो हो गए, ऑक्सीजन के पास आठ हो गए। दूसरा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ भी नाइट्रोजन के कितने हुए? पांच थे, छह और दो आठ हुए, और यहाँ पे ऑक्सीजन के भी आठ हो गए। लेकिन अभी एक लोन पेयर इसके पास बचा है, उसको क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट कर देगा। तो ये स्ट्रक्चर है। अब आगे बढ़ेंगे तो हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे बनाते हैं। क्यों ऐसा ये बनता है ये आगे पढ़ने को मिलेगा। ये है नाइट्रिक एसिड। तो बताओ नाइट्रिक एसिड में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? एक से। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन HNO3 कितने हैं बोलो? वन सर। नंबर ऑफ, अब और भी टाइप के बॉन्ड होते हैं वो मैं आगे सिखा दूंगा, छोड़ दो, इतने याद रखो। सिग्मा पाई नहीं बता रहा हूं अभी, वो आगे की बात है। अच्छा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और डबल बॉन्ड एक है, सिंगल बॉन्ड दो है, सबको दिख रहे हैं? इस पूरे को डबल बॉन्ड बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। हाँ, तो ये नोट करें जल्दी, जिसको जिसका रह गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। वन साइडेड शेयरिंग है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा।
पे सर्कल ड्रा करना ज्यादा जरूरी नहीं है, वो मैं केवल तुमको दिखाने के लिए बताता हूँ। इफ सर्किल आर नॉट ड्रॉन नो प्रॉब्लम, तुमको समझ में आना चाहिए क्या लिखा है। ब्लैक ब्लॉक आ रहा है, निरंजू आ रहा है क्या? हाँ सर, ये बॉक्स से सर है। चला जा नहीं रहा है क्या? ब्लॉक नहीं जा रहा है क्या? गया सर, अभी गया सर। इसके लिए दोबारा शेयर किया है, जल्दी नोट करें। तो ये लिख लो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे और कंटिन्यू करेंगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कितने लोगों को एक आइडिया मिल गया, अच्छा खासा समझ गया है? सब समझ लेंगे ऊपर करूं क्या बोल रहे हो? कहां पे किधर करूं? और भी ऊपर करूं कहीं? जी बोलिए। सर सीए का पेपर आपने बनाया? हाँ, अभी तो नहीं बनाया मैंने पेपर वगैरह कोई। पेपर कब है? संडे को है? सैटरडे और संडे को। नहीं नहीं पेपर आसान आएगा, कोई बात नहीं, टफ नहीं आएगा। बुकलेट टाइप नोट्स फॉर स्टेट बोर्ड, बुकलेट टाइप नोट्स बेटर नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ो, बहुत अच्छी किताब है। और स्टेट बोर्ड वाले जो बच्चे हैं, ये अपनी किताब मैंने भेजी है ना सबको, बुक केमिस्ट्री की अच्छी किताब है स्टेट बोर्ड की, जो महाराष्ट्र बोर्ड है, टोटल सीबीएसई बेस्ड है वो, कुछ फर्क नहीं है दोनों में। बुकलेट वगैरह ये सबने नोट कर लिया? तो नेक्स्ट क्लास तुम्हारी अभी है कि नहीं है? इसके बाद ये क्लास तो हो गई। ओके गुड, चलो इसको मैं शेयर कर दूं ग्रुप पे। किसी को लिखना होगा क्या? हाँ सर कर दो। अच्छा, और एनसीईआरटी के पुराने पीछे सवाल जो है।